everyone, here I am with my new video of chapter 2 nutrition in animals, class 7 science. So let's start. You have learnt in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis. हाँ, तो हमने ये पढ़ा था चैप्टर 1 में कि हम जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खुद का फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. और बट एनिमल्स कैन नॉट, सो एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. सो जो एनिमल्स का मेन सोर्स है वो प्लांट्स ही है फूड के तौर पर. या तो वो डायरेक्टली, यानी कि या तो वो सीधा सीधा प्लांट्स को ही खा लेते हैं, या इनडायरेक्टली एनिमल्स को खा लेते हैं जो प्लांट्स खाते हैं. ऐसे एनिमल्स को खाते हैं कि जो प्लांट्स खाते हैं. तो आखिर में जाके क्या पता चलता है कि फूड जो एनिमल्स को जो फूड मिलता है वो प्लांट्स से मिलता है. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो बहुत कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं. रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. यस, हमने ये पढ़ रखा है बहुत बार कि हमें क्या चाहिए होता है, ह्यूमंस को क्या रिक्वायर होता है, फूड किस लिए होता है, हमें क्यों चाहिए फूड. हमें इसलिए चाहिए फूड कि हमारी ग्रोथ होए, रिपेयर होए, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग होए. इसलिए हमें फूड बहुत नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए. एनिमल न्यूट्रिशन जो है वो क्या इंक्लूड करता है, वो इंक्लूड करता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट चाहिए उस न्यूट्रिशन को, मोड ऑफ इनटेक को, कैसे अपना खाना या फूड या न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में ले जाता है और उसको कैसे यूटिलाइज करता है. हमने ये डिस्कस किया था क्लास 6 में कि फूड जो है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स से कंसिस्ट होता है. और अब इधर हम इनको रिकॉल कर सकते हैं. मैं आप वैसे तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देती हूँ. कुछ फूड के कंपोनेंट्स जो हमने स्टडी किए थे वो थे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह वगैरह. थोड़े बहुत आप खुद भी कर सकते हो. तो नाउ कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है कंपोनेंट ऑफ फूड है, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं. सिंपलर सब्सटेंस ना होके वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं. हम इधर एक डायग्राम भी देख सकते हैं. इधर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का डायग्राम है और एक सिंपलर सब्सटेंसेस का. तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं इनको हम ऐसे के ऐसे जैसे ही होते हैं वैसे तो यूज़ कर नहीं सकते. तो हमें इनको ब्रोक करना पड़ता है. कैसे ब्रेक डाउन करते हैं इनको हम सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं. ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं और फिर एक प्रोसेस से हम इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में बदल देते हैं. नाउ द ब्रेक डाउन, जो ये ब्रेक डाउन होता है इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपलर सब्सटेंसेस में, इसे हम डाइजेशन कहते हैं. द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. नाउ 2.1 डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. तो बहुत डिफरेंट वेज होते हैं फूड टेकिंग के और जो सबकी बॉडी में वेरी करते हैं. और ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर हम बर्ड और एनिमल को देखें तो बर्ड का बॉडी जो होएगा उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे, मेरा मतलब सॉरी डिफरेंट मतलब बॉडी पार्ट्स होंगे. और वो उसकी जो फूड वो अंदर ले जाता होगा वो भी अलग अलग वेज होंगे. अब हम बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड जो होती हैं वो क्या करती हैं, नेक्टर सक करती हैं प्लांट्स में से. प्लांट्स यानी कि फ्लावर्स में से नेक्टर सक करती हैं. हमने आप सबको ये पता होगा बीज हनी, बीज वगैरह हनी बनाती हैं. तो वो क्या करती हैं, फ्लावर्स में से नेक्टर सक करती हैं. और इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन, जो स्मॉल बेबीज होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, और अदर एनिमल्स, जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फीड करते हैं ऑन देयर मदर्स मिल्क. वो अपने मदर्स मिल्क पे फीड करते हैं जब वो ग्रो होते हैं. नाउ जैसे स्नेक्स होते हैं लाइक पाइथन, वो अपने प्रे यानी कि जिसको वो खाना चाहता है उसको सीधा के सीधा खा के स्वैलो कर लेता है. सम एक्वाटिक एनिमल्स, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं पानी में जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो फिल्टर कर लेते हैं जो टिनी फूड पार्टिकल उनको दिखाई देते हैं फ्लोटिंग अपने आसपास, उनको फिल्टर करके उनके ऊपर एकदम से फीड अपॉन कर देते हैं. नाउ इधर एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 2.1. इसमें क्या है, इसमें ये है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड, मतलब क्या फूड खाते हैं ये एनिमल्स और इनके फीडिंग मोड ऑफ फीडिंग क्या है. हम इधर अपने ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं और पहले हमें ढूंढना पड़ेगा और ये बहुत हेल्पफुल है. ये आप लोग अपने आप कर सकते हैं.
Now, amazing fact. Starfish feed on animals covered by hard shells of calcium carbonate. जो starfish होती है वो कैसे animals पे feed upon करती है, यानी कि क्या खाती है, वो ऐसे animals वगैरह को खाती है जिनके ऊपर hard shell, वो hard shell के covered होते हैं. जो hard shell किस चीज़ से बना होता है, calcium carbonate. After opening the shell, जब वो open होता है shell, वो जो starfish है वो pops out, वो अपने stomach को pop out करती है. थ्रू इट्स माउथ, अपने माउथ से पॉप आउट करती है, क्या करने के लिए, टू उस सॉफ्ट एनिमल जो वो उस शेल के अंदर था उसको खाने के लिए ऐसा करती है. वो अपने स्टमक को पॉप आउट करती है और अपने माउथ को जैसे खोल वोल लेती है. द स्टमक, जो वो स्टमक है वो फिर से बैक, मतलब जैसे बॉडी में चला जाता है जैसे होता है नॉर्मली, और फिर वो फूड जो है वो स्लोली स्लोली डाइजेस्ट होने लगता है. अब हम पढ़ते हैं मेन टॉपिक, डाइजेशन इन ह्यूमंस 2.2. नाउ अब हम वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ. अब हमें पता है हम अपना खाना मुंह से लेते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं. द जो अनयूज पार्ट होता है फूड का वो डेफिकेटेड होता है, यानी कि फेंक देती है हमारी बॉडी उसको. तो हमने क्या कभी ये सोचा होगा हमारे फूड का क्या होता होगा हमारी बॉडी के अंदर, हमने सोचा ना भी हो तो आज हम उसको पढ़ेंगे. जो फूड होता है वो क्या होता है, वो पास होता है कंटिन्यूस कैनल से, और वो कहाँ पे बिगन होता है, वो बिगन होता है बक्कल कैविटी पे और एंड कहाँ पे होता है, एनस पे. तो हम फिगर 2.2 में एक बार ये देखते हैं ये कंटिन्यूस कैनल को. बक्कल कैविटी क्या होती है, जहाँ पे हमारे टीथ यानी कि टूथ और टीथ और टंग प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं बक्कल कैविटी. फिर ग्लैंड्स वगैरह आते हैं वो भी हमें पढ़ेंगे अभी. और ये एक लॉन्ग कैनल दिख रही है हमें, इसे हम कहते हैं ईसोफेगस. यहाँ से फूड पास होता है बक्कल कैविटी से ईसोफेगस और फिर जाके आखिर में कहाँ पे ख़त्म होता है, एनस पे. डाइजेशन कहाँ पे ख़त्म होती है, एनस पे, और फिर वो फेंक दिया जाता है हमारी बॉडी के उससे. द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स. अब जो ये कैनल है ये एक कंपार्टमेंट नहीं है, इसको भी बहुत सारे पार्ट्स में हम बांट सकते हैं. फर्स्ट है बक्कल कैविटी जहाँ से हम यानी कि माउथ, फिर फूड पाइप और ईसोफेगस. तो ये जो ईसोफेगस है इसे हम फूड पाइप भी कह सकते हैं या ईसोफेगस भी कह सकते हैं. थर्ड फिर हमारा आता है स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एंड कहाँ पे होता है, रेक्टम एंड द एनस. और ये बहुत बड़ा पार्ट, हमें ये लगता होगा इतना सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा पार्ट होगा ये. तो ये जो है ये सारी चीज़ें, ये जो सारे पार्ट्स हैं ये टुगेदर फॉर्म करते हैं, ये एक साथ मिलकर फॉर्म करते हैं एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल या हम उसे कह सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक. ये जो सारी पार्ट्स हैं क्या फॉर्म करते हैं, एलिमेंट्री कैनल या डाइजेस्टिव ट्रैक. एक बार हम इन सबको देख भी लेते हैं. फर्स्ट बकल कैविटी हो गया, उसके बाद आता है हमारा ईसोफेगस, ये लॉन्ग कैनल, और उसके बाद ये जो है ये हमारी लिवर है, ये पार्ट पूरी लिवर है. ये जो है ये पार्ट ये हमारा गॉल ब्लैडर है. फिर ये जो ऐसे बीन टाइप की शेप में है इसे स्टमक कहते हैं, स्टमक तो हम शुरू से ही सीख के आते हैं. ये पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में जैसे ये डिज़ाइनर टाइप सा बना हुआ है इसे हम कहते हैं पैनक्रियाज. नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे है, ये सब बिल्कुल कर्व 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 कर, इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं. फिर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन आती है, ये यहाँ से शुरू होती है लार्ज इंटेस्टाइन और इधर जाके ख़त्म होती है. फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हम देखते हैं फिर ये इधर रेक्टम आता है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, और उसके बाद आता है एनस. तो इतने सारे पार्ट्स जो हैं ये क्या फॉर्म करते हैं, एलिमेंट्री कैनल और वी कैन से डाइजेस्टिव ट्रैक. अब हम आगे चलते हैं. द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एंड फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स. जो ये इतने सारे कंपार्टमेंट्स हैं जब ये फूड होता है ये इससे ट्रैवल होता है तो वो जो वेरियस कंपार्टमेंट्स से डाइजेस्ट हो जाता है जाते जाते. और जो इनर वॉल्स होती हैं स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की, और जो वेरियस ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ग्लैंड्स होते हैं लाइक कि एसोसिएटेड विद द कैनल, जो इस कैनल से एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड जो कि देखो बक्कल कैविटी के बिल्कुल नीचे टाइप सी है, ये हो गया सैलिवरी ग्लैंड. और जो लिवर होती है और ये पैंक्रियास होते हैं, ये ग्लैंड्स होते हैं. क्या एसोसिएटेड ये
कैनल से एसोसिएटेड होते हैं, और ये क्या करते हैं, इनका वर्क होता है सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। ये क्या करते हैं, ये जो सक कर लेते हैं जो भी डाइजेस्टिव जूसेस जो बॉडी के लिए नेसेसरी है, उसको जो फूड है उसमें से सक कर लेते हैं। जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो कन्वर्ट कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इंटू सिंपलर वंस। सो जो वो जूसेस होते हैं, वो जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं फूड के, वो उनको सिंपलर में बदल देते हैं। जो डाइजेस्टिव ट्रैक है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, वो एक साथ बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जो वो कंपार्टमेंट्स होते हैं वो तो डाइजेस्टिव ट्रैक बनाते हैं, और जो डाइजेस्टिव ट्रैक और जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं यानी कि सेलिवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियास वगैरह, वो सब एक साथ बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमारा सारा फूड, मतलब कि सारा फूड क्या कहते हैं, फूड डाइजेस्ट हो जाता है। अब हम पता करना चाहिए व्हाट हैपन्स, अब क्या होता है फूड को इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, द माउथ और द बट एंड बकल कैविटी। नाउ फूड जो है वो मुंह के अंदर जाता है, कैसे जाता है, थ्रू द माउथ। फूड जो है वो कैसे जाता है बॉडी के अंदर, थ्रू द माउथ। और जो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, जो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड है इनटू द बॉडी, उसे क्या कहते हैं, उसे इंजेशन कहते हैं। जब हम फूड को अंदर ले जाते हैं अपनी बॉडी के, उस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। हम च्यू करते हैं फूड को विद द टीथ, हम अपने फूड को टीथ से च्यू करते हैं, ब्रेक करते हैं, उसे ब्रेक कर देते हैं। क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं उनको स्मॉल पीसेस में, बिग पीस होता है उसको अपने टीथ से च्यू कर करके, यानी कि चबा चबा के स्मॉल पीसेस में तोड़ देते हैं। और जो अलग अलग टूथ होते हैं, वो अलग अलग सेपरेट सॉकेट में होते हैं, सेपरेट सॉकेट गम्स यानी कि उसमें होते हैं। ये नहीं होता कि सारे एक साथ एक ही जगह दबे हुए हैं या कुछ है, वो सारे अलग अलग सॉकेट्स गम्स की सॉकेट्स में रूटेड हैं। हम इस फिगर में भी देख सकते हैं सारे के सारे टूथ या टीथ अलग अलग सॉकेट में है। आवर टीथ वेरी इन अपियरेंस, हमारे जो टीथ होते हैं वो सेम नहीं होते हैं सबके, किसी के शार्प, किसी के थोड़े अलग शेप के, किसी के कैसे। और सारे ये भी नहीं होता कि हमारे मुंह के अंदर जो सारे टीथ हैं वो सेम डिज़ाइन के हों, सारे टीथ अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं सबको, इसलिए उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं फिगर 2.3 में, हम देखेंगे अभी। सो जो ये लास्ट सिक्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं मोलर टीथ, इन्हें क्या कहते हैं, मोलर टीथ। फिर ये लास्ट थ्री के बाद जो लास्ट टू आते हैं उन्हें प्रीमोलर कहते हैं। फिर इनके शेप्स भी अलग अलग हैं, आप सब देख सकते होंगे, ये शेप अलग है बिल्कुल, ये अलग है, मोलर की अलग है। फिर ये कैनाइन, बस टू ही टीथ होते हैं कैनाइन, ये इधर हैं। और इनसीजर जो फ्रंट वाले फोर होते हैं उन्हें इनसीजर कहते हैं। नाउ एक्टिविटी 2.2, अब हमें वॉश करने हैं अपने हैंड्स और मिरर में देखना है, और हम अपने काउंट कर सकते हैं टीथ, हम इंडेक्स फिंगर देख सकते हैं फील करने के लिए कितने टीथ हैं कितने नहीं हैं। और एप्पल लेना है, ब्रेड लेना है, उसको बाइट करना है, कट करना है, च्यू करना है, ग्राइंड करना है, सारी चीज़ें करना है, पियर्सिंग, टियरिंग, और फिर देखना है कि कौन सा टीथ किस चीज़ के लिए हेल्पफुल रहेगा, और फिर हमें अपनी ऑब्जर्वेशंस जो हैं टेबल 2.2 में रिकॉर्ड करनी है। सो आप अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर सकते हैं। नाउ अब हमारे माउथ में क्या है, सेलिवरी ग्लैंड है, वो सेक्रीट करता है सलाइवा, मतलब जो सेलिवरी ग्लैंड है वो सलाइवा यानी कि आप जानते ही होंगे उसको सेक्रीट कर लेता है। नाउ डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा, ऑन फूड, क्या तुम आप लोगों को पता है कि क्या होता है सलाइवा से फूड पे? चलो हम फाइंड आउट करते हैं उसे। एक्टिविटी जो 2.3 है, हमें टू टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं, उन्हें लेबल करना है ए और बी से, और ए में हमें एक टीस्पून फुल ऑफ क्या कहते हैं बॉइल्ड राइस डालना है, और टेस्ट ट्यूब बी में एक टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस च्यूइंग करने के बाद डालना है। ए में बिना च्यूइंग वाला, मतलब सिंपली बॉइल करके डाल देना है, बी में च्यू करके डालना है आफ्टर 3 to 5 minutes। नाउ अब 3-4 ml वाटर डाल देना है दोनों टेस्ट ट्यूब्स में, एज फिगर 2.4 में आप देख सकते हैं। नाउ फिर हमें 3-4 ml ऑफ वाटर के बाद अब हमें 2-3 drops ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डालना है दोनों टेस्ट ट्यूब्स में, और फिर हमें ऑब्जर्व करना है। हमारे अब एक चेंज होएगा कलर में इन द टेस्ट ट्यूब्स। अब हमें डिस्कस करना है रिजल्ट्स अपने क्लासमेट्स, टीचर्स वगैरह, आप किसी के भी साथ डिस्कस कर सकते हैं। और जो सलाइवा है वो ब्रेक कर देता है स्टार्च इंटू शुगर्स, आप देख सकते होंगे इस डायग्राम में।
सलाइवा क्या करता है, जो स्टार्च होता है उसे ब्रेक डाउन कर देता है इनटू शुगर। जो टंग है वो एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो अटैच्ड है बैक एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। बकल कैविटी के बैक में एक फ्लोर है, उस पर वो फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड है और ये फ्री है एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस। एज हम अपनी टंग को किसी भी मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, वो फ्री है फ्रंट में। क्या हमें पता है फंक्शंस क्या होते हैं टंग के? वी हम अपने टंग को यूज़ करते हैं टॉकिंग के लिए। क्या आप कभी ऐसा हो सकता है कि आप टंग को रोक के अपना टॉकिंग कर पाएं? और बिसाइड्स इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग, और ये जो है सलाइवा को मिक्स कर देता है फूड के साथ जब च्यूइंग करें, और स्वेलिंग स्वेलोइंग जब हम अपने फूड को स्वेलो करते हैं इनसाइड आवर बॉडी, सो उसमें भी हेल्प करता है। और जो टेस्ट करते हैं फूड को वो भी हम अपनी टंग की हेल्प से करते हैं, और दस टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो डिटेक्ट कर लेते हैं डिफरेंट टेस्टेस ऑफ फूड। वो डिटेक्ट करते हैं कि क्या टेस्ट है फूड का क्या है। तो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय दी फॉलोइंग एक्टिविटी। सो अब हमें पता है ये इधर से हमें इस जब हम बैक साइड से टेस्ट करें तो वो लगता है बिटर, इधर लगेगा बिटर, फ्रंट में बहुत स्वीट लगेगा, इधर स्वीट, इधर सॉल्टी और इधर सौर। सो ये हो गए रीजन्स टंग के फॉर डिफरेंट टेस्ट्स। और अब हम इधर ही ख़त्म करते हैं, हम एक्टिविटी 2.4 से पार्ट 2 में करेंगे। सो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक माई वीडियो।